22 जुलाई दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 की यात्रा शुरू हो गई है। इसी मिशन में एक हफ्ते की देरी GSLV MK3 रॉकेट के इंजन में लीक होने के कारण हुई थी। इसी रॉकेट से चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाया गया है। भारत का चांद पर यह दूसरा मिशन है। भारत का चंद्रयान 2 चांद के दक्षिण ध्रुव पर सितंबर के पहले हफ्ते में लैंड करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद का यह इलाका काफ़ी जटिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पानी और जीवाश्म मिल सकते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई अंतरिक्ष यान पहली बार उतरेगा। इस मिशन में लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। विक्रम का भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के पहले प्रमुख के नाम पर रखा गया है। लैंडर वो है जिसके जरिए चंद्रयान पहुंचेगा और रोवर का मतलब उस वाहन से है जो चंद्रयान पर पहुंचने के बाद वहां की चीज़ों को समझेगा, मतलब लैंडर रोवर को लेकर पहुंचेगा। भारत ने इससे पहले चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। यह भी चांद पर पानी की खोज में निकला था। भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए थे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यह काफ़ी ऊपर है। 2022 तक भारत चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान पर किताब लिखने वाले मार्क विटिंगटन ने CNN से कहा है, भारत ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे वो अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। भारत को यह एहसास है कि अंतरिक्ष में कई कार्यक्रमों को अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आलोचना भी होती है कि क्या एक विकासशील देश को देश के संसाधनों को अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च करना चाहिए। यहाँ लाखों लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। खैर, जब अब सब देश अंतरिक्ष की दुनिया में इतने आगे हैं तो हमारा भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत के पहले मार्स सैटेलाइट की लागत स्पेस विज्ञान पर बनी फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। चंद्रयान 2 की लागत $14.1 करोड़ है, जो कि अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम की लागत $25 अरब से कम है। चंद्रयान 2 भारत के चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश है। इससे पहले यह काम रूस, अमेरिका और चीन कर चुके हैं। 4 टन के इस अंतरिक्ष यान में एक लूनर ऑर्बिटर है, इसके साथ ही एक लैंडर और एक रोवर है। इन सब की मदद से इसरो ने चंद्रयान 2 पर कहा है, हम वहां की चट्टानों को देखकर इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसी खनिज तत्वों को खोजने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वहां पानी होने के संकेत भी तलाश करेंगे और चांद की बाहरी सतह पर भी जाँच करेंगे, जिसमें चंद्रयान 2 के हिस्से ऑर्बिटर और लैंडर पृथ्वी से सीधे संपर्क में रहेंगे, लेकिन रोवर सीधे संपर्क में नहीं रह पाएगा। अब सवाल उठता है कि जोखिम होने पर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ही चंद्रयान क्यों उतारा जा रहा है। दरअसल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई है। यहाँ कुछ नया मिलने की संभावना है। इस इलाके के अधिकतर हिस्सा छाया में रहता है और सूरज की किरणें ना पड़ने से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी और खनिज होने की संभावना हो सकती है। हाल ही में किए गए कुछ ऑर्बिट मिशन में भी इसकी पुष्टि हुई है। पानी की मौजूदगी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ की सतह की जांच ग्रह के निर्माण को और गहराई से समझाने में भी मदद कर सकती है, साथ ही भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन के रूप में इसके इस्तेमाल की क्षमता का पता चल सकता है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुली कम्प्लीट होता है तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी और पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो चांद पर पानी की खोज कर सकेगा। तो आपका क्या विचार है चंद्रयान 2 के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर कीजिएगा, जिससे यह इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। और इसी तरह की रोमांचक और मिस्टीरियस एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।